हेलो एवरीवन, आज की हम इस वीडियो में आप लोगों को हरियाणा में बीएमएस के कितने कॉलेज हैं उसके बारे में बताएंगे, कौन सा कॉलेज प्राइवेट है, कौन सा गवर्नमेंट है उसके बारे में बताएंगे और हरियाणा में बीएमएस कॉलेज की कितनी फीस है उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले शुरू करते हैं हम गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा है, कितने गवर्नमेंट कॉलेज है उसके बारे में बात करते हैं, फिर हम प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, हरियाणा में एक गवर्नमेंट कॉलेज है, श्री कृष्णा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, जो हमारा कुरुक्षेत्र में है, जिसकी कॉलेज फीस हमारे पास में 15,482 रुपये है। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा में अभी कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज ओपन नहीं हुआ है। नेक्स्ट कॉलेज हमारा है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, जो हमारा कहाँ पे है, सोनीपत हरियाणा में, जिसकी कॉलेज फीस हमारे पास में 67,000 रुपये है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय सिर्फ 100% रिजर्वेशन इसमें लड़कियों के लिए है, लड़कों का इसमें कोई एडमिशन नहीं होता है, क्योंकि इसमें 100% रिजर्वेशन लड़कियों के लिए है। इसकी कॉलेज फीस मैंने आपको बता दी है, 67,000 रुपये है। नेक्स्ट कॉलेज, ये एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। नेक्स्ट करते हैं हम कितना प्राइवेट कॉलेज है। अब प्राइवेट कॉलेज में देखते हैं, पहला प्राइवेट कॉलेज हमारे पास में श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़। श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो हमारा चंडीगढ़ में है, ये हरियाणा का टॉप प्राइवेट कॉलेज है, जिसकी हमारे पास कॉलेज फीस हमारे पास में 1,60,000 रुपये है और जिसकी सिक्योरिटी फीस हमारे पास में 50,000 रुपये है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्राइवेट कॉलेज है हमारे पास में चौधरी देवीलाल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा यमुनानगर में है। ठीक है, जिसकी हमारे पास में कॉलेज फीस और सिक्योरिटी फीस मैं आप लोगों को बता दें, जिसकी कॉलेज फीस हमारे पास 1,86,000 रुपये और सिक्योरिटी फीस हमारी इसकी 55,000 रुपये है। नेक्स्ट कॉलेज हमारे पास में लाल बहादुर शास्त्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट यमुनानगर, जिसकी हमारे पास कॉलेज फीस, सिक्योरिटी फीस और हॉस्टल और मेस की टोटल फीस इसकी हो जाती है हमारे पास में 3,25,000 रुपये। तो आप लोगों को बता दूं, तो लाल बहादुर शास्त्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट है, इसमें भी 100% रिजर्वेशन गर्ल्स के लिए है। तो गर्ल्स के लिए हरियाणा में बीएमएस के 100% रिजर्वेशन के दो कॉलेज हो गए। पहला हो गया भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, जो हमारा सोनीपत में है, इसमें हमारे पास 100% रिजर्वेशन गर्ल्स के लिए है। और सेकंड कॉलेज हो गया हमारे पास में लाल बहादुर शास्त्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट यमुनानगर, इसमें 100% रिजर्वेशन है गर्ल्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज देखेंगे हमारा SGT यूनिवर्सिटी गुरुग्राम, जिसकी हमारे पास में कॉलेज फीस हमारे पास में 4,30,000 रुपये है और जिसकी सिक्योरिटी फीस हमारे पास में 60,000 रुपये है। नेक्स्ट देखेंगे हम हमारा नेक्स्ट कॉलेज है हमारा जो प्राइवेट कॉलेज है, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी रोहतक, जिसकी हमारे पास में कॉलेज फीस आप लोगों को मैं बता दूं 3,90,000 रुपये है और जिसकी सिक्योरिटी फीस हमारे पास में 50,000 रुपये है। नेक्स्ट प्राइवेट कॉलेज हो गया गॉड ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज रोहतक हरियाणा, जिसकी हमारे पास में कॉलेज फीस हमारे अप्रोक्स 2,00,000 के आसपास और सिक्योरिटी फीस हमारे पास में 30,000 है, जिसकी टोटल फीस हो जाती है 2,30,000 रुपये। नेक्स्ट हम कॉलेज देखेंगे नेशनल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा एंड हॉस्पिटल हिसार हरियाणा, जो इसकी फीस है, हमारी कॉलेज फीस है इसकी 1,85,000 रुपये और सिक्योरिटी फीस हमारे पास में इसकी 30,000 रुपये है। नेक्स्ट कॉलेज देखेंगे हम आयुष ज्योति आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल सिरसा हरियाणा में, आयुष ज्योति की हमारे पास में जो कॉलेज फीस है हमारे पास 1,90,000 रुपये और जो इसकी सिक्योरिटी फीस हमारे पास 40,000 रुपये है। नेक्स्ट कॉलेज देखेंगे हमारे पास में MLR आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज इन चरखी दादरी हरियाणा, जिसकी हमारे पास कॉलेज फीस है हमारे पास 1,60,000 रुपये है और जिसकी सिक्योरिटी फीस हमारे पास में 35,000 रुपये है। नेक्स्ट कॉलेज देखेंगे हम गंगापुत्रा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हरियाणा, जिसकी हमारे पास में कॉलेज फीस हमारे पास 1,85,000 रुपये है और जिसकी सिक्योरिटी फीस हमारे पास में 25,000 रुपये है। ये जो भी सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको कॉलेज के बारे में बताई, उनकी फीस के बारे में बताई, ये हमें कोई ऑफिशियल वेबसाइट या हमारे पास ऑफिशियली गवर्नमेंट से प्रोवाइड हमें की नहीं गई है। ये हमने डिफरेंट स्टूडेंट से बात करके पता किया है, डिफरेंट सोर्स हमने कलेक्ट किया, आप लोगों को बता दिया गया है। अब आती है इस साल जो नेक्स्ट फीस का इंक्रीमेंट है, जो हर साल फीस में इंक्रीमेंट होता है वो 5% होता है, पर इस 5% इंक्रीमेंट के अलावा इस बार यूनिवर्सिटी ने, जो हरियाणा के प्राइवेट कॉलेज हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटी को प्रपोजल दिया है कि वो फीस बढ़ाएं। तो
तो इस बारी जो जो नया सेशन स्टार्ट होगा, ये जो अभी काउंसलिंग स्टार्ट होगी इस सेशन के लिए, हमारी फीस इनके हमारे पास में जो प्राइवेट कॉलेज है उनकी फीस हमारे पास में अप्रॉक्स 90,000 के आसपास पड़ने वाली है अगर यूनिवर्सिटी अप्रूव करती है। तो मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ जो यूनिवर्सिटी को उन्होंने प्रपोज किया है। ये हमारे पास में जो बेसिक फीस थी हमारे पास पहले 1,50,000 रुपये हुआ करती थी, अब इसको 2,40,000 रुपये कर दिया गया है। और जो इंक्रीमेंट इसमें यो है कि जो ये 5% इंक्रीमेंट ये रेगुलर होता रहेगा। अगर ये फीस है, अगर इसको हमारे पास NAACP अप्रूव कर देती इस फीस को, तो हमारी जो फीस होगी, जो मैंने आप लोगों को पूरी वीडियो में पहले सारी कॉलेज की फीस बताई थी जो प्राइवेट कॉलेज की, गवर्नमेंट कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस हमारे पास में 90,000 के आसपास बढ़ जाएगी। मीन्स ये है कि जिस कॉलेज की फ़ीस हमारे पास में अभी इसकी 1,85,000 रुपये हो जाता है हो रहा है, इसमें हमारे पास में एक्स्ट्रा 90,000 ऐड हो जाएगा, ठीक है, अगर कॉलेज फीस बढ़ती है इस सेशन के लिए, अगर यूनिवर्सिटी अप्रूव कर देती है। और जैसे इस कॉलेज के हमारे पास में 1,60,000 रुपये है, तो इसमें भी हमारे पास में 90,000 ऐड हो जाएंगे। मतलब यह है कि प्राइवेट कॉलेज की जितनी भी फीस है सब में हमारे पास में 90,000 रुपये ऐड हो जाएंगे अगर यूनिवर्सिटी अप्रूव करती है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो और अगर आप काउंसलिंग कराना चाह रहे हैं, आप काउंसलिंग जैसे आप कोई पेरेंट्स हैं, आपको किसी बच्चे की काउंसलिंग करानी है या फिर आपको किसी रिलेटिव की काउंसलिंग करानी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो भी हमारी काउंसलिंग से रिलेटेड, हरियाणा की काउंसलिंग से रिलेटेड आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगी हमारे चैनल पर मिल जाएगी, और इंडिया कोटा के लिए जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब।